आवाज हमाद, मैं ये तो जानती थी कि तुम मजहब के काफी करीब हो, लेकिन मस्जिद में जाके अजान देना, ये तो काफी फंडामेंटलिस्ट किस्म के लोग करते हैं ना। अजान देने से कोई फंडामेंटलिस्ट नहीं हो जाता, एक कामयाबी और फलाह की तरफ बुलाने वाला एक पैगाम है जो बहुत मोहब्बत से दिया जाता है। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारी मॉम हर संडे चर्च जाती हैं या नहीं? हाँ जाती हैं, बल्कि कभी कभार मुझे भी ले जाती हैं। तो कभी उन्होंने तुमसे ये कहा कि वापसी पे उनका दिल चाह रहा है कि दो चार मुसलमानों को मार दो? What? No, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ऐसे ही मस्जिद में जाने वाला हर मुसलमान बहुत सादा और कॉमन सिटीजन होता है। सूरह फील में हाथी वालों का जिक्र है, वो असल में अब्रहा, ये यमन का गवर्नर, इसका बुनियाद परस्ती से कोई ताल्लुक नहीं होता। कहीं तुम्हें भी सराइज़ की तरह हमसे डर तो नहीं लग रहा? यही तो हैरत की बात है कि मुझे तुमसे बिल्कुल डर नहीं लगता। डर तो अब पापा से लगा, उनका रूड बिहेवियर तुम्हारी तरफ अब दिन ब दिन नफरत में तब्दील हो रहा है। ये उनकी नफरत नहीं उलझन, और उलझन एक ना एक दिन दूर हो ही जाती है। चलिए, मैं हमाद के सामने कितनी एम्बैरस थी माँ, कैन यू बिलीव इट, पापा उसकी जासूसी भी कर रहे हैं। दिस इज सो बैड। दैट्स राइट, वो चाहे मस्जिद में जाके अजान दे या किसी से मिले, दैट्स हिज बेसिक राइट। हमाद ने पापा से बात करने की भी कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उसकी एक ना सुनी। मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ यूनिवर्सिटी से निकाल के ही रहे। आई नो यू आर वरीड अबाउट हमाद, बट तुम अपने डैड की भी तो पोजीशन समझने की कोशिश करो। सांप का डसा रस्सी से भी डरता है सैरा। तो आप क्या कह रही हैं कि मारी भी? नो, वो बहुत अच्छा लड़का है और तुम उससे दोस्ती रखो। मैं आइजक से बात करूंगी, ओके? यू डोंट वरी। अरे हाँ, नेक्स्ट मंथ जीशान न्यूयॉर्क बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है, तुम्हारे डैड चाह रहे थे कि तुम भी उसके साथ चली जाओ। विल यू गो? व्हाट? न्यूयॉर्क जीके के साथ? मैं क्यों जाऊंगी? कम ऑन मॉम, पापा को कह दीजिएगा आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। इसका मतलब है कि वो पुलिस वाला तुम्हारे पीछे आया था। लगता है डीन ने तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। मेरी तो जिंदगी वैसे भी मुसलसल जंग ही है, कल भी इल्जाम मजहब था और आज भी। नहीं, मुझे लगता है इस बार कसूरवार मैं हूं। ना मैं तुम्हें मस्जिद में अजान देने के लिए कहता, ना तुम इस झमेले में पड़ो। अपने आप को कसूरवार मत ठहराइए। मैं जानता हूं कि सारे फसाद की वजह मैं खुद ही हूं। वहां पाकिस्तान में था तो ला मजहब होने का ताना मारा गया। हमारी लड़की ऐसे घरानों में नहीं ब्याही जाती जहां साला साल कोई नमाज भी ना पढ़ता। तुम भी एक ऐसे घर से ताल्लुक रखते हो। और उस लेबल को हटाने के लिए यहां पहुंचा तो यहां मुझे मजहबी होने का ताना दिया जा रहा है। वहाँ मेरा रहन सहन, मेरा हुलिया मेरी सबसे बड़ी सजा बन गया था। आपकी अमारत और आपका बड़ा खानदान अपनी जगह, लेकिन हमारे खानदान की हुरमत पर कोई इल्जाम लगाए इसका हक किसी को नहीं है। राजा, जहाँ मेरी शनाख्त ही मेरा सबसे बड़ा जुर्म है। पता नहीं कुदरत मेरे साथ कैसा खेल खेल रही है। नहीं मेरा, ना तुम कल गलत थे और ना तुम आज गलत। ना तुम्हें वहां कोई समझ पाया, ना यहां कोई समझ पाया। रही बात कुदरत की, कौन अपने मुकद्दर में कैसी फतह लिखवा के आया है ये किसे मालूम। लेकिन तुम मायूस मत होना, जीत तुम्हारा मुकद्दर बनेगी।
मेरे लिए मायूस होने के लिए वजह ही क्या है? हार और जीत बहुत पहले अपने मायने मेरे लिए खो चुके हैं। मुझे तो उन लोगों पे भी तरस आता है जो मुझे हराने के लिए अपने आप को थका रहे हैं। काश उनको कोई ये बता दे कि हारे हुए इंसान को दोबारा नहीं हराया जाता। जेनी बता रही थी कि तुमने जीशान के साथ न्यूयॉर्क जाने से मना कर दिया। जी, I don't want to go. You don't want to go? How come? It's possible. मैंने तो टिकट भी कंफर्म करवा दिए। तो फिर आप चले जाइए ना। What? सरा, मामा, जब मैंने एक बार इनकार कर दिया, तो मुझसे बार-बार क्यों पूछा जा रहा है? Listen, सरा. तुम हमारी हर बात से इनकार करती चली जाओगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हारी हर बात को तस्लीम कर लें। इससे पहले कि मैं अपना कोई फैसला सुनाता, तुमने उस जीशान के मुंह पर ही उसको मना कर दिया कि तुम्हें ये रिश्ता कबूल नहीं है। इसने ऐसे कह दिया होगा आयजर, ये सोच समझ कर जवाब देगी, है ना सारा? मेरा फैसला वही है जो आप लोग सुन चुके हैं। Now stop pressurizing me, please. Pressurizing? इससे पहले मेरी बेटी मुझसे इतनी दूर नहीं थी। ये सब उस एक्सट्रीमिस्ट की ब्रेन वॉशिंग का नतीजा है। इससे पहले मेरे पापा भी मुझसे इतनी दूर नहीं थे, और ये सब उस नफरत का नतीजा है जो आप बरसों से अपने दिल में पाल रहे हैं। सारा, सारा, नाश्ता तो पूरा कर लो सारा। क्या खाक नाश्ता करेगा आदमी? आज मैं उस एक्सट्रीमिस्ट लड़के को अपनी यूनिवर्सिटी से टर्मिनेट करवा के छोड़ूंगा। मैरी, क्या हुआ? खैरियत तो है? तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। वो क्या? यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट ने तुम्हारे खिलाफ पापा की कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दी है। उनका ये कहना है कि मजहब तुम्हारा पर्सनल मैटर है, वो सिर्फ इसी बुनियाद पे तुम्हें नहीं निकाल सकते। So happy for you. क्या हुआ? कुछ परेशान लग रही हो? नहीं, कोई बात नहीं। मुझे नहीं बताओगे? मैं सोच रहा हूँ मेरी इस बात से तुम तो बहुत खुश हुई हो, लेकिन सराय से वो कितने दुखी होंगे। मैंने जिंदगी में लोगों को सिर्फ दुखी दुखी है। ये बात नहीं है, कुछ और है। कहीं रिबेक के साथ तुम्हारा झगड़ा तो नहीं हुआ? आई मीन, मैंने उसे भी क्लास से निकलते हुए देखा था और तुम भी क्लास में नहीं हो। टैबी की सारी परेशानियों की वजह सिर्फ मैं ही। मैं एक क्वेश्चन पूछूं, थोड़ा पर्सनल है। क्या तुम और रावी सिर्फ दोस्त हो? आई मीन, योर जस्ट फ्रेंड्स, राइट? जितनी मेरे लिए वो फिक्र करती है ना, तो उसको देख के कोई भी धोखा खा सकता। लेकिन यकीन करो, उसको मैंने सिर्फ अच्छा दोस्त समझा है। मेरी जिंदगी में मोहब्बत नाम की किसी चीज की कोई गुंजाइश नहीं है। काश मैं समझा सकता कि मोहब्बत ने लोगों को सिर्फ दुखी दुखी है, जिसे भी हुई उसे तबाह बर्बाद कर दिया।
इसका मतलब है कि तुमने पहले मोहब्बत जरूर की। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जब से आपको देखा है मेरा आप अपना नहीं है। मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं जिससे मैं अपनी कैफियत आप तक बयान कर सकूँ। दुनिया की तमाम डिक्शनरियों के सारे अल्फाज मेरी जज्बे की सच्चाई को बयान करने के लिए मुझे बहुत छोटे बहुत आमियाना लगे। तो मुझे क्यों ढूंढ रही थी? क्या फिर कोई प्लान तैयार किया है मैरी के खिलाफ? नहीं रुबैका, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तो क्या तुम इसलिए मुझसे दूर रहती हो? लिसन, मैरी से ना मेरी अब दुश्मनी है और ना ही उसके दोस्तों से। इनफैक्ट मैरी के सारे दोस्त अब मेरे दोस्त हैं। लेकिन तुम्हारे डैड तो उसके दुश्मन हैं। लेकिन मैं तुम्हारी की दोस्त हूँ ना। एनीवेज, वेल, मैंने मैरी के बारे में तुमसे कुछ पूछना था। तुम तो उसकी बेस्ट फ्रेंड हो ना? हाँ, बस मैं ही एक हूँ जो उसे सबसे ज़्यादा जानती हूँ। वो ही अनजान बने रहता है। एनीवे, पूछो। मैरी सबकी बात सुनता है लेकिन कभी अपने बारे में बात क्यों नहीं करता? ऐसा लगता है उसके पास बहुत कुछ है कहने को लेकिन वो कह नहीं पाता। आई डोंट नो व्हाई, बहुत उदासी लगती है उसकी आंखों में जो खुशी के लम्हे में भी उसे उदास कर देती है। क्या वो किसी से मोहब्बत करता है? मुझे सच बताना, तुम्हें मैरी ही कसम? हाँ, किसी से मोहब्बत करता है। आई एम जोकिंग, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। God. एक सेकंड के लिए लगा यू सीरियस? ओके, तो फिर किससे मोहब्बत करता है वो, क्या तुम जानती हो? मेरी छोड़ो, ये बताओ कि रेस्टोरेंट वाले कैसा, क्या हुआ तुम्हारे? वो ना क्या है, स्टे ऑर्डर ले लिया, वरना ना काम का रहता ना काज का, बन जाता दुश्मन है नाच का। ये मत समझो कि मामला खत्म हो गया, हमारी बहुत सख्त निगरानी की जा रही है। भाई चांद चढ़ेगा तो लोग देखेंगे ना, और वैसे भी मैंने एक देसी वकील हायर किया इन गोरों को सू करने के लिए। अभी सर, हेलो हमाद, गेस व्हाट, मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ी हूँ फिलहाल। अभी बोर हो रही थी तो मैंने सोचा तुमसे मिल लेती हूँ, बात ही हो जाएगी। अच्छा, ये दो मिनट दो में आता हूँ। ओके, आई एम वेटिंग, बाय। ओके, वाह यार क्या किस्मत है, मुझे तो कभी गोरियाँ इनवाइट नहीं करती आउटिंग के लिए। दोस्त है ये मेरी, समझे? कुछ और ऐसे भी क्या खास बात थी कि रात को इतने बजे घर से निकल के आना पड़ा? खास बातें वक्त की पाबंदी होती है बात। एक्चुअली आजकल सब कुछ इतना यूजुअल हो रहा है कि आम बातों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। तो क्यों ना हमें शाम को और स्पेशल बनाएं? कैसे? मेरे पास लेटर की दो टिकट्स हैं, यू वांट टू गो?
हाँ लेकिन सवालों को बता के तो आई हो ना, ऐसा ना हो क्योंकि और मसला खड़ा हो जाए। मामा जानती हैं लेकिन पापा से आजकल बातें नहीं होती तो फ्रीडम ही फ्रीडम। चलो लेट्स गो। ऑलराइट कूल। बहुत उदास प्ले था, तुम्हें कैसे लगा? अच्छा था। कैसे अच्छा था? जब हीरो हीरोइन एक दूसरे को इतनी शदीद मोहब्बत करते हैं तो आखिर में क्यों नहीं हुए? ये क्या बात हुई, लड़की की माँ उसे पारस के हवाले कर देती है और वो अपनी इज्जत बचाने के लिए समंदर में कूद जाती है, और दूसरी तरफ लड़का लुटेरों से लड़ते लड़ते मर जाता है। वो दोनों एक दूसरे को अपनी मौत की खबर भी नहीं पहुँचने देते। शायद इसलिए कि दोनों एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते थे कि अगर किसी को भी दूसरे की मौत की खबर मिलती तो वैसे ही मर जाते। मुझे इस तरह की मोहब्बतों के अंजाम बहुत डिप्रेसिंग लगते हैं। मोहब्बतों के अंजाम ऐसे ही होते हैं सर, डिप्रेसिंग, उदास। सहरा कहाँ हो तुम? Where are you? Please come downstairs. लड़की को देख के पता नहीं मुझे क्या होगा, ऐसा लगता है कि सारी दुनिया टाटी बनी है और वो अकेली है जो मखमल का पैरों लगी थी। पता नहीं क्यों कभी कभी ये लफ्ज मोहब्बत इतना नाकाफी क्यों लगता है मुझे। हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं कोई शायर छुपा होता है, बस जरा सी तहरीक मिलने की देर होती खुद ब खुद शेर होने लगता है, वदीफा मिलने लगती है, काफिया जुड़ जाते हैं। एहसास को बयान करने के लिए वोकैबुलरी के सारे लफ्ज इतने कम क्यों पड़ जाते हैं? बात सिर्फ इश्क जुनून और दीवानगी पे आके ही क्यों रुक जाती है? जो जज्बा इश्क जुनून दीवानगी से आगे का उसके लिए हमारे पास कोई और नाम अलग से क्यों नहीं होता? इबारत से रूठ गई, दूर चली गई, इबारत मर गई, नहीं मर गई, इबारत मर गई। वो इस दुनिया में नहीं। करूं सजदा करूं सजदा
वो हम्माद के साथ गई है। क्या हम्माद के साथ? तो क्या वो रात के इस वक्त उस पाकिस्तानी लड़की के साथ गई? वो दोनों मूवी देखने गए हैं, आते ही होंगे। जैनी, you already know how much I hate that Pakistani boy. तुमने रात के इस वक्त उसको बाहर जाने की इजाजत दे दी उसके साथ? तुम सबसे अलग हमाद, तुम इतना बड़ा डर छुपा के भी हर वक्त मुस्कुराते रहते हो, लेकिन हम किसी को भी नहीं देखते। कुछ जख्म बहुत मुकद्दस होते हैं सर, कुछ छुपा के ही रखना पड़ता है। बता देने से उनकी हुरमत पे हर्फ आता है। लेकिन काश मैं देख सकती, उससे जिसे तुम इतनी मोहब्बत करती। बताओ कैसी थी? ठीक कहते हैं। क्या तुम्हें पर्दा पसंद है? हमारी घर की औरतें रिवायती पर्दा नहीं करती, लेकिन मैंने उसको हमेशा पर्दे में रखा। मौलवी साहब की तरबियत ही ऐसी थी, शायद उस तरबियत की वजह से उसको मैंने हमेशा हिजाब नहीं दिया। जिस कल्चर में मैं बड़ी हूँ उसमें हिजाब पर्दा ऐसा हमें कुछ समझ ही नहीं है। तुम्हें जब भी मिलती हूँ ना कुछ नया ही सीखती हूँ। मुझे बताओ क्या तुम अपनी और ईमान की कहानी मुझे बताओगे? जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी मेरा ख्याल है रात बहुत हो गई। अगर थोड़ी देर भी तुम रात बाहर आ रही ना सराइज़ मेरे खिलाफ तुम्हारी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देंगे पुलिस स्टेशन में। ऐसी बात नहीं है, आप सो चुके होंगे अब तक। एक काम करते हैं, मेरे साथ चर्च चलोगे? अभी क्यों? मुझे खुदा से कुछ मांगना और इसी बहाने तुम मम्मा के फेवरेट चर्च भी देख लोगे। मैं चाहते हुए भी उस लड़के से नफरत नहीं कर सकती आयशा। वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छे खानदान से उसका ताल्लुक है, और फिर सैरा के साथ सिर्फ उसकी दोस्ती है। तुम क्यों उसे इतना गलत समझ रहे हो? तो तुम भी उस पाकिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट लड़के को फेवर करोगी? यानी तुम जानती नहीं हो कि वो लड़का हमारी बेटी सारा के लिए कितना बड़ा खतरा है। क्या हुआ हमारे? अगर तुम अंदर नहीं आना चाहते? अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं जरूर तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन एक्चुअली इससे पहले मैं कभी किसी चर्च गया नहीं हूँ, इसलिए मुझे यहाँ के रूल्स नहीं पता। Don't worry about it.
मैंने कहीं पढ़ा था कि मंदिर हो मस्जिद हो या चर्च सबके रूल एक जैसे ही होते हैं। बस अपने गॉड से दिल से दुआ मांगो। That's all. चले हमारी बेटी सैरा बहुत मासूम है ना समझ है और वो इसी बात का फायदा उठाते हुए उसको ब्रेन वॉश कर रहा है। उसका ब्रेन वॉश तुमने किया है अपने ही मजहब के खिलाफ। But, तुम उसका दिल नफरत से भर रहे हो और अब उसका दिल ये नफरत कबूल नहीं करता। तुम इस हकीकत को मान क्यों नहीं लेते? मान लो कैसे मान लो।
हर पल मेरे साथ है, हर पल मेरे अंदर है। आखिर 6 माह बाद मेरी याददाश्त तो वापस आ गई, लेकिन मेरी ईमान कभी लौट के वापस नहीं। फिर मैं यहाँ ह्यूस्टन आ गया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। फिर जो भी कुछ हुआ तुम्हारे सामने, तुम जानते हो कि मैं इस वक्त यहां ब्रेक करने क्यों आई थी? तुम्हारी मोहब्बत की दुआ मांगने के लिए। जो एहसास अब तक तुम्हारी यादों में जिंदा है, उसके लिए दुआ मांगने के लिए। आज मुझे समझ आ गया कि वो कौन सा एहसास था जो हजारों की भीड़ में तुम्हें अलग दिखाता था। मेरा यकीन मानो हमाद, ये मेरा तुमसे वादा है कि तुम जब भी मेरा नाम लोगे, उससे पहले ही मैं तुम्हारे सामने होगी। आई प्रॉमिस। मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस जहान में नहीं तो ना सही, मगर अगले जहान में आपके साथ जरूर होंगी। मैं जानता हूं। थैंक यू सर। शुक्रिया। तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए। मुसलमानों के बारे में जितनी भी गलत फहमियाँ थी वो सारी तुम दूर कर दी। काफ़ी रात हो गई है, अगर तुम चाहो तो मेरी गाड़ी लेके जा सकते हो। अरे नहीं, I'm good. Walk on. You sure? Sure. Okay. Allah. Allah Hafiz. Wait a minute, boy. Just wait. फिर मैं तुम्हारा हश्र कर दूंगा, तबाह बर्बाद कर दूंगा तुम। सुना तुमने? मैं जानता हूं आप मुझसे नफरत करते हैं। आपका पूरा हक बनता है आप जिससे चाहे नफरत करें, लेकिन इस बात की इजाजत नहीं दूंगा मैं आपको कि आप मुझ पर कोई इल्जाम लगाएं या सारा के हवाले से कोई शक करें। शक नहीं, यकीन है मुझे।
रुक जाओ। ठहरो मियां, दो घड़ी रुक जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।